अगर आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के कान और नाक में सरसों का तेल डालती हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नो डाउट, सरसों का तेल एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसन है, पर जब बच्चों के स्वास्थ्य की बात आती है तो हर चीज़ का उपयोग जांच परख कर ही करना चाहिए। दोस्तों, जब हम सरसों का तेल बच्चों के कान और नाक में डालते हैं तो इससे यह समझते हैं कि बच्चों के कान और नाक की सफाई हो रही है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों, जिस बर्तन में सरसों का तेल आप स्टोर करके रखते हैं, उस बर्तन में आप देखिएगा कि वो सरसों के तेल की कीट नीचे बैठ जाती है। कीट यानी सरसों के तेल की गंदगी। तो दोस्तों, जैसे आप बच्चों के कान में तेल डालते हैं तो बच्चों के कान में धीरे धीरे ये सरसों के तेल की गंदगी अंदर बैठने लगती है। कीट मतलब सरसों के तेल की गंदगी बच्चों के कान में जमा होती रहती है, और दोस्तों आगे चलकर वही तेल गंदगी आगे चल करके बच्चों की परेशानियां बढ़ाती है। अगर आप लोग सरसों का तेल बच्चों के नाक और कान में डालते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। उसकी जगह बच्चों के कान साफ करने के लिए डॉक्टर से कोई अच्छा सा ड्रॉप लिखवा लें। दोस्तों, समझदार बनिए, बच्चों के मामले में अंधविश्वासी मत बनिए। ऐसे ही अच्छे नुस्खे जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके वायरल करें। आप सभी का धन्यवाद।